नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा जो कि महिलाओं में देखने को मिलती है। ये बीमारी का नाम है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। दोस्तों ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से वेसिको वेजाइनल फिस्टुला को कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेसिको वेजाइनल फिस्टुला क्या होता है। दोस्तों वेसिको मतलब यूरिनरी ब्लैडर होता है और वेजाइनल आप जानते हैं और फिस्टुला के बारे में तो आप जानते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि महिला के जो मूत्र मार्ग होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट जिसको ब्लैडर कहते हैं, ब्लैडर और वेजाइना के बीच की जो दीवार होती है उसमें किसी प्रकार का घर्षण के कारण एक ओपनिंग होती है, एक छिद्र हो जाता है जिसमें कि कंटिन्यूसली पेशाब लीकेज होने लगता है, यानी कि महिला को हमेशा बार बार पेशाब निकलता रहता है, बूंद बूंद करके रिसता रहता है। इसी कंडीशन को वेसिको वेजाइनल फिस्टुला कहा जाता है। अब हम इसके कॉज की बात करें, कारणों की बात करें तो ज़्यादातर कारण ये बाय बर्थ होते हैं यानी कि जन्मजात होते हैं। दूसरा ये भी होता है कि ये एक्वायर्ड होते हैं यानी कि आगे चल के ये हो सकते हैं। जैसे एक्वायर्ड होने का कहने का ये मतलब है कि अगर किन्हीं महिलाओं को किसी तरह का वेजाइनल ट्रामा हुआ है, जैसे कि वेजाइनल लेजर किया गया है, या अगर उन्हें डिलीवरी के समय यानी कि बच्चा डिलीवरी करने के समय जो लेबर पेन होता है उसमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी डिलीवरी करने के समय किसी प्रकार का अगर उनको इंजरी हो गई है उस कंडीशंस में हो सकती है, या अगर उन्हें किसी प्रकार की यूटीआई संबंधित प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है उस तरह की कंडीशंस है तो इसमें भी हो सकता है, या अगर उनको ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बार बार डीएनई करवाना पड़ता है उस कंडीशंस में भी हो सकता है, या डीएनसी के कंडीशंस में भी ये देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिन महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है उन महिलाओं को भी वेसिको वेजाइनल फिस्टुला की कंडीशंस देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि इसमें किसी प्रकार का ट्रॉमा या इंजरी हो गई है तो उस पर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला हो जाता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें लगातार यूरिन लीकेज होते रहता है, पानी गिरता रहता है और वो जो यूरिन बाहर निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध युक्त होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल करती है और ये काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस होती है। इसके कारण महिलाओं में एब्डोमेन संबंधित प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उन्हें डायरिया की कंडीशंस हो सकती है, उन्हें मिचली की कंडीशंस होती है, बार बार दस्त हो सकते हैं, कै हो सकते हैं, उन्हें भूख कम लगती है, उनका शरीर कमज़ोर होता जाता है, वेट लॉस की प्रॉब्लम्स होने लगती है, उनको पेट दर्द की शिकायत रहती है, गैस ज़्यादा बनने लगती है जिसे एसाइटिस भी कहा जाता है। तो ये सब इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आप आर्निका 200 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में दिन में दो बार ले सकते हैं दो दो बूंद, और इसके साथ साथ आप इसमें कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में दो दो बूंद आप ले सकते हैं। आज मैंने आपको इस बीमारी वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।